क्या आपने कभी सोचा कि आप जो कपड़े पहनते हो वो आपकी थिंकिंग और बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं? कैसे लैब कोट पहनने से लोगों का कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, मूड और फोकस बढ़ जाता है? जब बात डेटिंग की आती है तो जो लोग रेड और ब्लैक पहनते हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जब स्टूडेंट्स लेस फॉर्मल, कैजुअल और कम्फर्टेबल कपड़े पहनते हैं तो एग्जाम में उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कपड़ों का यूज सिर्फ आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट या कवर करने के तक ही नहीं है। आप कैसे सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो और लोग आपको किस तरह देखते हैं, इन सबका कनेक्शन डायरेक्टली आपके कपड़ों से होता है, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ क्लोथिंग। और कपड़ों की इस पूरी साइकोलॉजी को कहा जाता है एनक्लोज्ड कॉग्निशन। तभी तो साल 2012 में दो साइकोलॉजिस्ट हाजो एडम एंड एडम डी गलेंस्काय ने इसके ऊपर इन डेप्थ में रिसर्च करी, जहां उन्होंने देखा कि कैसे कपड़े हमारे परफॉर्मेंस, मूड, इमेज और माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। दोनों ग्रुप्स को व्हाइट कोट दिए गए। ग्रुप ए को बताया गया कि ये डॉक्टर्स का कोट है और ग्रुप बी को बताया गया कि ये पेंटर्स का कोट है। फिर दोनों ग्रुप्स को दो सिमिलर यानी एक जैसी इमेजेस दिखाई गई और उनसे कहा गया कि दोनों इमेजेस में क्या क्या अलग है, देखो और ढूंढो। हैरानी की बात है कि रिजल्ट क्या आया। ग्रुप ए, जिन्होंने डॉक्टर्स का कोट पहन के ये टेस्ट करा था, उन्होंने सबसे ज्यादा डिटेल्स नोटिस करी, जो इस बात को प्रूव करता है कि पूरे दिन में आपके कॉन्फिडेंस, अटेंशन स्पैन और एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस दिन आपने कौन से कपड़े पहने हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जॉनसन और लेस्ली डाउनिंग की एक रिसर्च ने ये दिखाया कि कैसे एक तरह के कपड़े एक तरह के इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। जहां पार्टिसिपेंट्स यानी लोगों ने जब नर्सिंग आउटफिट को पहना तो उन्होंने एकदम पॉजिटिव और नॉन अग्रेसिव बिहेवियर शो करा। वहीं जब उन्हें मिलिट्री आउटफिट पहनाई गई तो उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज देखा गया, जहां वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और अग्रेसिव बिहेव करने लगे। आप खुद कभी ये चीज नोटिस करना, जब आप हैप्पी स्टेट में होते हो आप ताज़ा ताज़ा नहा के निकलते हो, अलमारी से अपनी फेवरेट शर्ट या ड्रेस निकालते हो, उसे अच्छे से प्रेस करके अपने बेस्ट शूज, पैंट या जीन्स के साथ पहनते हो, साथ में एक अच्छी सी वॉच और अच्छा परफ्यूम लगाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। जब आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट लग रहे हो, वहीं जब आप लो फील कर रहे होते हो तो आप अपनी ड्रेसिंग और कपड़ों पे इतना ध्यान नहीं देते। आपको जो मिलता है आप पहन लेते हो, डल सी लूज टी शर्ट और नॉर्मल वही पैंट्स या पजामे में ही अपना पूरा दिन निकाल देते हो और रात होते होते आप और लेजी, ढीले हो जाते हो। आप जो भी कपड़े चूज करके पहनते हो वो आपको एक आइडेंटिटी देता है। अगर आप चाहो तो सही कपड़े चूज करके उन्हें पहन के अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिलीव्स और अपने मैनरिज्म और माइंडसेट और मूड को शिफ्ट कर सकते हो। माइंड व्हाट यू वेयर बुक की ऑथर प्रोफेसर केरन पाइन ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि अपने फेवरेट सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम्स पहन के आओ। उसके बाद उन्हें कई फिजिकल टेस्ट से गुजारा, जिसमें ये देखा गया कि कॉस्ट्यूम पहनने से स्टूडेंट्स ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा, वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग और बोल्ड फील कर रहे थे। सिर्फ आउटफिट का कॉम्बिनेशन ही नहीं, आपके कपड़ों का कलर भी आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है। जैसे रेड कलर से आप ज्यादा पैशनेट और एनर्जेटिक फील करते हो। यही रीजन है कि जिस स्पोर्ट्स टीम का कलर रेड होता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है या उसके ज्यादा फैंस होते हैं। ब्लू कलर पहनने से आप ज्यादा काम, फोकस्ड, शांत और पीसफुल फील करते हो। ये कलर ट्रस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तभी सर्जन और नर्सेस के कपड़े ब्लू कलर के होते हैं। येलो कलर पहनने से आप नेचुरली ज्यादा हैप्पी, खुश और एनर्जेटिक फील करने लग जाते हो। ये आपके क्रिएटिव ब्लॉक्स को हटाने में हेल्प करता है और आपको फ्री फील कराता है। ग्रीन कलर है बैलेंस, गुड हेल्थ और ग्रोथ का। ये कलर पहन के आप ज्यादा एम्बिशियस फील करने लगते हो, अपने काम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ब्लैक कलर पावर और प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, इसीलिए जजेस और लॉयर्स की कॉस्ट्यूम ब्लैक होती है। बिजनेसमैन भी ब्लैक सूट पहनते हैं, तभी ज्यादातर लोगों को, स्पेशली लड़कों को, ब्लैक कलर के कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं। आप जो कपड़े पहनते हो उससे आपका मूड अफेक्ट होता है। अगर आप बेटर फील करना चाहते हो तो कुछ भी पहनने से अच्छा है हर सुबह सोच समझ के सही कलर, कपड़ों और आउटफिट को चूज करो और वो पहनो जैसा आप उस दिन फील करना चाहते हो। इससे आपका माइंड पहले से प्रिपेयर हो जाएगा। अपने कपड़ों को ऐसे देखो जैसे कोई सुपर हीरो अपना कॉस्ट्यूम पहन रहा है, जिसे पहनते ही आपकी कई सारी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं, जहां आप वो सारे काम कर पाते हो जो आप इस कॉस्ट्यूम के बिना नहीं कर सकते। प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी अब्राहम रचिक ने 2015 में ये पता लगाया कि जो लोग अपने वर्कप्लेस लाइक जॉब या ऑफिस में सूट पहन के जाते हैं वो ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जो उन्हें पूरा दिन बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करता है। ऐसे ही आप भी अपनी पावर क्लोथिंग ढूंढो, जहां आपको अपनी इमेज पावरफुल और कॉन्फिडेंट यूज करनी है, वहां ऐसे कपड़े पहन के जाओ जो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करवाए। वहीं किसी के साथ मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना है, डेट पे जाना है या नए लोगों से मिलना है तो कैजुअल और कम्फर्ट कपड़े पहनना ज्यादा अच्छा है। अगर आपको फिट रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो एक्टिव वेयर, स्पोर्ट या जिम वेयर पहनो। ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि कैसे एक रात पहले जिम के कपड़े पहन के सोने से सुबह उठकर एक्सरसाइज करना या जिम जाना बहुत आसान हो जाता है। जर्नल ऑफ बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर नाइट वेयर होना, यानी रात को सोने के कपड़े जिसे आप डेली पहनो, ये आपके ब्रेन में स्लीपिंग का एक क्यू बना देता है।
जिसे पहनते ही आपके ब्रेन को ये ट्रिगर हो जाता है कि सोने का टाइम हो गया है, जो आपकी स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है। सिर्फ पहनने के लिए कुछ भी मत पहनो, अपनी क्लोथिंग से आप अपनी साइकोलॉजी को ट्रेन कर सकते हो, जो आपकी लाइफ बेटर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप सोकर उठो तो खुद से ये एक क्वेश्चन पूछना कि आज मैं कैसा फील करना चाहता हूं? और इस हिसाब से अपने कपड़ों को चुनो। आपके कपड़े आपकी आइडेंटिटी ही नहीं, आपकी पर्सनैलिटी भी होते हैं। ये आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील कराता है। मॉस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी लोगों के साथ कनेक्शन हमारी ह्यूमन नीड्स में थर्ड लेवल पे आता है। हम सभी सोशल क्रिएचर्स हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ कनेक्ट करें, हमें एक्सेप्ट करें। और किसी भी ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको सिमिलैरिटी शो करनी होती है, कुछ ऐसा जो आप में और उस ग्रुप के लोगों में कॉमन है, जिसके बेसिस पे आप कनेक्ट कर जाते हो। जैसे सेम पॉलिटिकल व्यूज, म्यूजिक में टेस्ट सेम होना, सेम पढ़ाई करना, सेम हॉबीज होना, आप इन सभी टॉपिक्स पे कम्युनिकेट कर पाते हो। बट कम्युनिकेशन तो बाद में होगा, पहले आपको ग्रुप में एंटर करना होगा, जिसके लिए सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सिग्नलिंग। हम अपने कपड़ों से सिमिलैरिटी और ओपन टू कनेक्शन को सिग्नल करते हैं। लोग आपको जाने उससे पहले ही आपके कपड़ों का स्टाइल, शूज, एक्सेसरीज ये दिखाती हैं कि आप कितने लाइकेबल या कंपैटिबल हो। फॉर एग्जांपल, एक स्टडी में ये देखा गया कि क्लाइंट्स उन थेरेपिस्ट के पास बार बार जाते थे जो हमेशा एक प्रोफेशनल आउटफिट में रहते थे, बजाय उनके जो नॉर्मल कपड़े पहनते थे। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हो ये आपकी इनर पर्सनैलिटी को बाहर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि लाइक माइंडेड लोग आपसे अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब हर किसी का अपना स्टाइल होता है। बिलियनेयर मार्क ज़करबर्ग आपको सिंपल मिनिमलिस्ट कपड़ों में दिखेंगे। रणवीर सिंह अतरंगी और बोल्ड कपड़े पहनते हैं। मोदी जी और राहुल गांधी आपको हमेशा ट्रेडिशनल इंडियन कुर्ते में दिखेंगे। ये सभी लोग सोच समझ के वही कपड़े पहनते हैं जो उनकी इनर पर्सनालिटी को बाहर शो करता है, या फिर वो ऐसा शो करवाना चाहते हैं। अगर आप अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो आपको अपने स्किन के और बालों के कलर को ध्यान में रख के अपने कपड़े चुनने चाहिए। अमेरिकन डिजाइनर एलन फ्रेजर ने अपनी बुक ड्रेसिंग द मैन में बताया है कि अगर आपके बाल और फेस दोनों ही लाइट कम्प्लेक्शन के हैं तो आपके ऊपर अलग अलग रंग के कपड़े जरा भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो अपना फोकस एक ही कलर के अलग अलग शेड्स पे रखो। अगर आपकी स्किन लाइट या मीडियम कम्प्लेक्शन की है और आपके बाल डार्क हैं, तो आप ऑपोजिट कलर के कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रीन एंड बेज, ब्राउन एंड ब्लू। अगर आपकी स्किन और हेयर दोनों ही डार्क है तो आपको लाइट कलर्स को नहीं पहनने चाहिए, आप ब्लैक आउटफिट में ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। आप चाहो या ना चाहो, जजमेंट हमारी सोसाइटी का एक कड़वा सच है। लोग आपसे मिलने के 8 सेकंड में ही अपना जजमेंट बना लेते हैं, और बाकी के टाइम या तो आप उनके जजमेंट को वैलिडेट कर रहे होते हो या उन्हें गलत प्रूव करने की कोशिश करते हो। इसीलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी क्लोथिंग को इम्प्रूव करने में जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, ड्रेस फॉर द जॉब यू वॉन्ट, यानी अपने गोल अचीव होने से पहले ही ऐसे बिहेव करो कि आप उस गोल को अचीव कर चुके हो, वो इंसान बनने से पहले जो आप बनना चाहते हो। ऐसे ड्रेस करो जैसे आप वो बन चुके हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।